नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज आपको बिहार के उस जिले के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताएंगे जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक पहचान है, जो कुछ क्रांतिकारी ऐतिहासिक घटनाओं एवं स्वतंत्रता आंदोलनों का गवाह रहा है। उसका नाम है पूर्वी चंपारण। भारत की आजादी के लिए एक मंच के रूप में उपयोग हुए इस जिले में ही महात्मा गांधी द्वारा अग्रणी सत्याग्रह आंदोलन पहली बार शुरू हुआ था। पूर्वी चंपारण में कई ऐसे दर्शनीय एवं आकर्षक स्थल है जो इसे बिहार का सबसे ज्यादा पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक बनाते हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। पहला है अशोक स्तंभ। मोतिहारी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है लौरिया, जहां ऐतिहासिक अशोक स्तंभ स्थापित है। सम्राट अशोक ने अपने द्वारा लगवाए गए सभी शिलालेख और स्तंभों में मानव मूल्यों में उच्च नैतिकता को बरकरार रखने के लिए अपने संदेश अंकित किए थे। इस स्तंभ पर 41 पंक्तियों में नागरिकों को मानव धर्म का पालन करने एवं मित्रता का संदेश अंकित है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 साल बाद यह धर्मलेख 6 ठोस पत्थरों के स्तंभों पर लिखवाया था। इस धर्मलेख स्तंभ का वजन 34 टन है, जबकि इसकी ऊंचाई 36.5 फीट है। इस स्तंभ के ऊपर सिंह नहीं है, जो शायद टूट जाने के कारण कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। अब आगे हम बात करेंगे अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर की। अरेराज में स्थित यह सोमेश्वरनाथ मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जहां प्रमुख रूप से भगवान शिव की पूजा होती है। खासकर सावन में श्रावणी मेले के दौरान यहां की सजावट भव्य और दिव्य होती है। इस मंदिर का गर्भगृह समतल से लगभग 20 फीट नीचे है। शहर का नेपाल के पास होने के कारण यहां पर तीर्थयात्री और भक्तगण पूरे बिहार के साथ साथ नेपाल से भी आते हैं। इस इलाके में अन्य भी कई मंदिर है, जिस कारण अरेराज को पूर्वी चंपारण के पवित्र शहर के रूप में भी जाना जाता है। अब आगे हम बात करेंगे गांधी संग्रहालय की। यह शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र है। यहाँ पर गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित तथा दूसरे कई नेताओं की तस्वीरें, अवशेषों और कार्यों का संग्रह है। अंग्रेजों द्वारा किसानों और मजदूरों पर किए जा रहे अत्याचार को देखने जब महात्मा गांधी 1917 में मोतिहारी आए थे, तो जिलाधिकारी ने उन्हें जिला छोड़ने को कहा, परंतु गांधी जी ने आदेश की अवहेलना की। और कहा जाता है कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का यह भारत में पहला प्रयोग था। गांधी जी को 18 अप्रैल 1917 में धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए अनुमंडल अधिकारी ने कोर्ट में पेश किया था, जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा और आदेश न मानने का कारण बताया। इसी स्थान पर सत्याग्रह स्मारक स्तंभ का निर्माण किया गया है। इस 48 फीट लंबे स्मारक स्तंभ की आधारशिला 10 जून 1972 को तत्कालीन राज्यपाल देवकांत बरुआ ने रखी थी, और गांधीवादी विद्याकर कवि ने 18 अप्रैल 1978 को इसे देश को समर्पित किया। गांधी संग्रहालय, सत्याग्रह स्मारक स्तंभ, गांधी लॉन, सभी एक ही परिसर में है। अब आगे हम बात करेंगे केसरिया बौद्ध स्तूप की। मोतिहारी के पास केसरिया में स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इस बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 104 फीट है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने खुदाई के बाद साल 1998 में इस स्तूप की खोज की। इतिहासकारों का मानना है कि यहां के क्षेत्रीय लोग इस स्तूप को राजा बेन का रजा के रूप में जानते थे, जिसे बुद्ध के निर्वाण प्राप्त होने से पहले वैशाली के लिच्छवियों द्वारा बनाया गया था। वेन सोंग, जो कि चीनी यात्री थे, उसकी डायरी के अनुसार उसने भी इस स्थल का दौरा किया था। अब आगे हम बात करेंगे मोती झील की। पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी के बीच में एक खूबसूरत झील है। झील के दोनों ओर का प्राकृतिक परिवेश बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं, एवं यहाँ से सूर्यास्त का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। इसी वजह से यह स्थान इस जिले की सबसे ज्यादा चर्चित पर्यटन स्थलों में से एक है। अगर आप मोतिहारी जा रहे हैं तो यहाँ की सैर जरूर करें। इन स्थानों के अलावा आप सत्याग्रह शताब्दी पार्क जा सकते हैं, जो जिला मुख्यालय के पास स्थित है। कई अन्य स्थान जैसे गायत्री मंदिर, नवयुवक पुस्तकालय, सीताकुंड, उर्दू पुस्तकालय आदि मोतिहारी में और उसके आसपास के स्थान हैं जो देखने लायक है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में पूर्वी चंपारण जिले के पर्यटन स्थानों के बारे में जाना। अगले वीडियोस में हम आपको बिहार के अन्य दूसरे जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे। आपको बता दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है या आप इस जिले के हैं, तो आपके अनुसार इस जिले का कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका
जिक्र हमने इस वीडियो में नहीं किया है, हम आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हम अपने अगले वीडियोस में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।